अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे वो है नोकिया 2.2। ये एक इंट्री लेवल की डिवाइस है, तकरीबन 15,000 की रेंज में ये डिवाइस आ रही है। काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं प्राइस के हिसाब से। इसके 5.71 इंच का डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है इसका बैक, 3000 mAh की बैटरी है, लेकिन क्योंकि ये फ़ोन स्क्रीन साइज़ इसका छोटा है तो ये बैटरी इनफ है मेरा ख्याल है। चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या कुछ मिल रहा है। बॉक्स में सबसे पहले वारंटी कार्ड आपको मिलेगा, उसके बाद आ जाती है आपकी डिवाइस नोकिया 2.2, जो कि बड़े कॉम्पैक्ट से साइज़ में आप देख सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम साइड पर रख देते हैं और देखते हैं मज़ीद बॉक्स में हमें क्या कुछ मिल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी बैटरी पड़ी हुई है, तो ये फ़ोन काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई ऐसा फ़ोन देख रहा हूँ जिसकी रिमूवेबल बैटरी आ रही है। वरना ज़्यादातर फ़ोन आजकल आपने देखे हैं कि उनमें रिमूवेबल बैटरी नहीं होती। बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं इसके साथ। फर्दर इन द बॉक्स आपका चार्जर है जी, ये चार्जर नोकिया का जो टिपिकल चार्जर होता था उसी डिज़ाइन में है, और ये है 5 वॉट का चार्जर, तो इसका मतलब ये है कि फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि 3000 mAh बैटरी है तो ये मेरा ख्याल है अनफ है इसके लिए। और इसके साथ आपको मिलेगी ब्लैक कलर की माइक्रो USB, और ज़्यादातर फ़ोन के साथ तो आजकल वाइट कलर की केबल्स आ रही हैं, तो ये भी नोकिया ने ज़रा डिफरेंट रखा है बाकी डिवाइसेस, बाकी कंपनीज से। और टिपिकल नोकिया के हेडफोन्स आपको इसके साथ मिलेंगे, जो कि नोकिया जब पहले विंडोज़ फ़ोन बना रहा था उनके साथ भी यही हेडफोन्स आते थे, तो अभी नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ भी वही हेडफोन्स, वही डिज़ाइन, वही हेडफोन्स दे रहा है, और क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। ये तो थे इसके बॉक्स के कंटेंट्स, अब चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ और डिवाइस को हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये है जी नोकिया 2.2, देखने में काफ़ी अच्छी डिवाइस है और मुझे बहुत ही लाइट वेट फील हो रही है, और उसकी वजह ये है कि इसमें बैटरी अभी प्लग इन नहीं हुई हुई। तो हम बैटरी भी यहाँ से इसमें से निकाल लेते हैं और जल्दी से फ़ोन में डाल के फ़ोन को बूट अप कर लेते हैं। और मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम ऐसा कौन सा फ़ोन मेरे पास था कि जिसकी ऐसे रिमूवेबल बैटरी थी और वो फ़ोन को ओपन करके मैंने लगाई थी, तो देखते हैं। हाँ जी, ये यहाँ से ओपन होगा। उसके बैक कवर रिमूव होने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको इसके ये बैक कवर्स मार्केट में से मिल जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, तो आप अपने फ़ोन को फंकी कलर्स में या ब्लैक में अगर आप रखना चाहें तो आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये होगी बैटरी प्लग इन। और सिम सिचुएशन की बात करें अगर, तो इसमें आप 2 सिम्स और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी 1 सिम और 1 कार्ड इस साइड पर आएगा और वो दूसरी साइड पर आपकी दूसरी सिम आ जाएगी, तो सिम ट्रे वाली सिचुएशन इसमें नहीं है। ये आपको सिम्स चेंज करने के लिए बैक कवर रिमूव करना पड़ेगा। अभी हम इसको कवर को लगा लेते हैं, और कवर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी प्लास्टिक का बनाया है नोकिया ने, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यूज़ की हुई है। खैर, अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं और डिवाइस को बूट अप कर लेते हैं। अच्छा, फ्रंट पर ये स्टिकर दिया हुआ है और उस पर कुछ इसके वही स्पेक्स लिखे हुए हैं जो बॉक्स के ऊपर भी लिखे हुए हैं, इसको भी उतार लेते हैं। स्क्रीन इसकी IPS डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें, 720 IPS डिस्प्ले है। इसको बूट अप कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं इसकी लुक। स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि टॉप पे इसकी एक नॉच दी हुई है और बॉटम पे जो इसके बेजल्स हैं वो भी नॉर्मल स्मार्टफोन से थोड़े ज़्यादा ही मुझे लग रहे हैं। नीचे नोकिया की ब्रांडिंग भी दी हुई है। एंड्रॉयड 1 का वर्जन है इसमें, एंड्रॉयड 9 है मेरा ख्याल है इसमें। और यहाँ पर राउंडेड नॉच में इसका सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। बाकी फ़ोन के बैक की अगर बात करें तो काफ़ी डिसेंट लुकिंग डिज़ाइन है इसका। बैक पे यहाँ नीचे एंड्रॉयड 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका जो स्पीकर ग्रिल है वो यहाँ बैक पे है, थोड़ी अनयूजुअल जगह पे है। और एक कैमरा है इसका बैक पे, साथ फ्लैश लाइट है। साइड से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपका पावर बटन है, साथ वॉल्यूम कीज़ हैं इस साइड पर। और टॉप पे इसके जनाब आपको हेडफोन जैक दिया हुआ है। दूसरी साइड पे गूगल असिस्टेंट का बटन है, आप डायरेक्ट यहाँ से गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर सकते हैं। और नीचे की साइड पे आपकी माइक्रो USB पोर्ट दी हुई है और साथ माइक नॉइस कैंसिलेशन है। मैं डिवाइस को जल्दी से बूट अप कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसको। तो डिवाइस हमारी बूट अप हो गई है। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मुझे लगा है, मतलब अगर प्राइस के हिसाब से आप देखें
तो 15,000 की रेंज में ये 720p डिस्प्ले पैनल है, लेकिन काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और चूंकि ये डिस्प्ले छोटा है तो इस वजह से इसका जो PPI है वो भी नॉर्मली इस रेंज में जो फ़ोन आ रहे हैं उनसे ज़्यादा है। कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है और इसका वन हैंड यूज़ बड़ा इजी लग रहा है मुझे। और अनलाइक दूसरी कंपनीज जैसे इन्फिनिक्स है, टेक्नो है और टन्स ऑफ बॉटवेयर उनमें होते हैं, आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें कोई 60-70 पहले ही ऐप्स इंस्टॉल हुई होती हैं, तो नोकिया ये है कि आपको बड़े क्लीन फ़ोन दे रहा है। जस्ट गूगल की ऐप्स होंगी इसमें, बाकी इसमें कुछ भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह नहीं होंगे। फ़ोन की ओवरऑल लुक की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी सिमिलरिटीज़ जैसे नोकिया के विंडोज़ फ़ोन आते थे उनसे मिलते जुलते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर अब आपको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। वेट भी इस फ़ोन का इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बैटरी छोटी है, साइज़ भी फ़ोन का छोटा है, प्लास्टिक बॉडी है, तो बड़ा हल्का सा फ़ोन हाथ में फील होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि सारी कंपनीज बस फ़ोन को बड़े करने में लग गई हैं और फ़ोन अब पॉकेटेबल भी नहीं रहे, तो उस हिसाब से इस फ़ोन का साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है। ये कुछ की स्पेक्स हैं जी हमारे फ़ोन के। 720p IPS डिस्प्ले है, MediaTek Helio A99 प्रोसेसर है, 3GB 32GB के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा है। 13MP का बैक कैमरा आपको मिलेगा, 5MP का इसका फ्रंट कैमरा है जिसके साथ फेस अनलॉक की आपको सहूलत मिल रही है। और 15,000 रुपये में ये डिवाइस अवेलेबल है पाकिस्तान में। ये कुछ इसके डिस्प्ले के क्लोज़अप शॉट्स आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि इसका टॉप नॉच कितने साइज़ की है, साइड बेजल्स और जो बॉटम बेजल हैं वो भी आप देख सकें। एक चीज़ जो थ्रू आउट इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में मैं फ़ील कर रहा हूँ वो ये है कि 15,000 की रेंज में आपको टेक्नो, इन्फिनिक्स ये कंपनीज़ भी स्मार्टफोन्स दे रही हैं, लेकिन उनकी जो हैंड ऑन फील है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी इस डिवाइस की है। इसकी प्लास्टिक रिलेटिवली आपको हाथ में अच्छी फील हो रही है। खैर अभी चलते हैं और इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं कि इसका जो 13MP का नोकिया ने सेंसर दिया हुआ है वो कितना कैपेबल है। कैमरा ऐप का इंटरफेस बिल्कुल बेसिक सा दिया हुआ है। एक तस्वीर ले लेते हैं हम, बाकी ये कुछ ब्यूटी फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें। तो ये है हमारा शॉट जो आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड है, शार्पनेस भी है और रीडेबल भी है। तो 13MP के कैमरे से और इंट्री लेवल के फ़ोन से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना ये इसने रिज़ल्ट दिया है, तो ठीक है। तो ये तो था इसका कैमरा टेस्ट और इन माय ओपिनियन मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। आप अगर साइड फ़ोन के तौर पर इसको लेना चाहते हैं या घर में यूज़ के लिए तो 15,000 में ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। बैक इसकी क्योंकि रिफ्लेक्टिव है ज़रा, तो आप देख सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी डिवाइसेस जो इस प्राइस में आ रही हैं, काफ़ी हाई एंड स्पेक्स क्लेम कर रही हैं, उनसे ये डिवाइस मुझे अच्छी लगी है। एक तो ये है कि आपको प्राइवेसी इशू नहीं है, आपको एंड्रॉयड की अपडेट्स मिलेंगी टाइमली, और मेरा ख्याल है नोकिया के साथ नोकिया में आपको 3 साल की अपडेट्स गारंटेड मिलती हैं और बाकी सब कंपनी से पहले मिलती हैं। तो सिक्योरिटी इशू कोई नहीं है, आपको प्राइवेसी इशू नहीं है जो कि टेक्नो, इन्फिनिक्स या जो जितनी भी कंपनीज हैं इनमें ये इशू है। तो अगर आप इंट्री लेवल की डिवाइस देख रहे हैं कोई 14-15 हज़ार की रेंज में तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।